हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुड़हल के फूल यानी हिबिस्कस प्लांट की लीव्स से शैम्पू कैसे बनता है। मेरी मदर इन लॉ इसी से अपने बाल धोती है और केरला साइड में बहुत सारे लोग इन्हीं से शैम्पू बना के अपने बाल धोते हैं। इसकी पत्तियों से झाग बनते हैं अच्छे, जिससे बाल अच्छी तरह से क्लीन होते हैं, बालों की डेंसिटी बढ़ती है, घने होते हैं बाल और काले होते हैं। तो आज अपन देखते हैं इनसे शैम्पू कैसे बनता है। गुड़हल के फूलों से शैम्पू बनाने के लिए आपको गुड़हल की पत्तियां चाहिए होगी। तो आप के पास अगर प्लांट है घर में तो आप उससे पत्तियां तोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं या आपको बाहर बाज़ार में भी मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐसे आपको पत्तियां तोड़नी होगी। इसके बाद अगर आपके पास फूल खिला हुआ है उसमें तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे कुछ पत्तियां और फूल तोड़ लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक बोल में पानी लेना है और इनको भिगो के छोड़ देना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिसमें थोड़ा पानी लिया है। अब इसमें मैं ये पत्तियां डाल दूंगी। इसको आपको लगभग आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ना है, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपको इसको अच्छे से मसल के इसका सारा रस निकाल लेना है। जैसा कि इसको आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसको हाथों से मसलना स्टार्ट कर दिया है। इसको मसलते मसलते आप देखेंगे कि पानी के अंदर ये पानी का कलर चेंज हो गया है। अब आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं ताकि ये एकदम महीन हो जाए, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी बालों में यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको ग्राइंड कर लें। तो मैं इसको ग्राइंड करने के बाद फिर से दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारा जो भी इसका पानी और जो रस था वो सब ग्राइंडर में डाल दिया है। कई लोग इसमें एलोवेरा जेल और बेसन डाल के भी इसको बनाते हैं। देखिए, अब ये ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। ये एकदम महीन तो नहीं होगा। अगर आपको वैसा चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी ऐसे बड़ी पत्तियाँ और ना दिखे, तो आपको इसको बिना पानी के ही ग्राइंड करना होगा। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग इसमें दही डाल के भी यूज़ करते हैं। अगर आपको वैसे यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। दही से बालों में मॉइस्चर अच्छा आता है और बालों में शाइन आती है। तो इसको आप सीधा यूज़ कर सकते हो। इसमें अच्छे से लेदर क्रिएट होता है जब आप इसको बालों में यूज़ करते हैं। नहाते वक्त इससे आप अपने बाल धो सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल तभी करें जब आपको कहीं बाहर ना जाना हो, घर में ही रहना हो। बाहर जाओ तो आप अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ ऐसे बना सकूँ।